नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज आपसे एक अजीबोगरीब कहानी शेयर करना चाहती हूं। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, उम्र से परे भी होता है और सीमा के पार। लेकिन जनाब, कभी कभी तो इश्क प्यार जेंडर का फर्क करना भी भूल जाता है। लेकिन प्यार में अगर बेफाई का जहर घुल जाए जो इतने मुश्किलों के बाद पाया हो, तो फिर कहानी में समझिए कि बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। और वो बदलाव ऐसे होते हैं कि जिंदगी का जो पहिया होता है ना, उसको पलट के रखते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही ताने बाने के चारों तरफ घूमती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कहीं अगर आपके दिल को छू जाए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा, ऑनेस्ट कमेंट। तो मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी, उस लड़की को एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों जीने मरने की कस्में खा चुके थे। उस प्यार को पाने के लिए लड़की ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना जेंडर बदल लिया, 2 साल की काउंसलिंग कराई, 8 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। और 1 साल के बाद वो लड़की से लड़का बन जाती है। इस समय वो सना खान से सोहेल बन गई है। अब दोनों साथ रहने लगी हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन लिव इन में जो ये पति पत्नी रह रहे थे, अचानक से उस लड़की का प्यार बदल जाता है। अब सना से सोहेल बनने वाली लड़की लड़के से नहीं बल्कि असली लड़के को दिल दे बैठती है। सोहेल ने विरोध किया, 5 साल के अपने पुराने रिश्तों का वास्ता दिया और उसके प्यार की खातिर लड़की से लड़का बनने के दर्द को बताया। लेकिन वो अपनी जिद से हटी नहीं, इतना 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं हुई। उसने अपने नए प्यार से समझौता नहीं करना मंजूर किया। आखिरकार वो लड़की, वो उसी लड़के से शादी करने की बात कह करके सना, जिसने अपना सब कुछ बदल लिया था, उसको छोड़ करके चली जाती है। अब सुहेल उस लड़की को सजा दिलाना चाहता है। दोस्तों, ऐसा केस पुलिस के पास शायद पहली बार आया होगा। पुलिस में शिकायत कर चुका है, वो मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। उस लड़की को कोर्ट में पेश किया गया, कुछ ही घंटे के बाद उस लड़की को जमानत मिल गई। अब सना जो सुहेल यानी कि जो लड़का बन चुकी थी, वो कोर्ट में केस लड़ना चाहता है ताकि कोई लड़की जेंडर चेंज कराने के बाद ऐसे धोखा ना खाए, उसे कोई धोखा ना दे सके। फिलहाल ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी कहाँ की है। तो दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी कहानी है ना। ये जो असली कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 2016 से। लड़की एक स्वास्थ्य केंद्र में ANM थी। यहाँ काम करने के दौरान उसने झांसी के प्रेमनगर इलाके में कमरा लिया किराए पे, और मकान मालिक की बेटी सना से दोस्ती हो जाती है। चूंकि वो किसी की बेटी है, इसलिए मैं आपसे उसका नाम नहीं शेयर कर रही हूँ। और दोनों लड़कियों में धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की वाली हो जाती है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। ये भी एक दौर होता है कि आप कैसे किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़कियों में दोस्ती होती है, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं होती कि वो शादी पर तुल जाएं। लेस्बियन लड़कियां आपने सुनी होंगी, लेकिन इतना प्यार कि उस लड़की ने यानी कि सना ने उसके लिए लड़का बनना मंजूर कर लिया। इस अजीब प्यार का आलम यह हुआ कि जो लड़की जिसके प्यार में ये सब होता है, उसके परिवार को पता चल जाता है। अब
सना को कमरा छोड़ना पड़ा। सना ने 2017 में सना कमरा छोड़ करके सरकारी क्वार्टर में चली जाती है। घर वालों को लगा कि अब ये दोनों लड़कियां आपस में दूर हो जाएंगी तो बात ठीक हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, सना किराए पे रहने आती है और जो मकान मालिक होता है उसकी बेटी से अफेयर होता है। तो घर छोड़ के वो सरकारी क्वार्टर में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मकान मालिक की जो बेटी होती है वो भी छोड़ करके सना के साथ उसके क्वार्टर में पहुंच जाती है। अब घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। ये एक बार पहले भी पुलिस में मामला जाता है, जब दोनों लड़कियां नहीं मानती हैं तब उस लड़की ने, यानी कि मकान मालिक की लड़की ने, वह साफ कह दिया कि वो सना के साथ लिव इन में रहना चाहती है। अब चूंकि हमारे देश के कानून भी कुछ ऐसे बन गए हैं तो लड़कियां भी, उनकी सोच भी समय से आगे जा रही है। तो मकान मालिक की बेटी ने कहा कि मैं बालिग हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, और दोनों लड़कियां साथ रहने लगीं। इसके बाद अपने सफ़र को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को लंबा चलाने के लिए, यानी कि जिंदगी भर साथ रहने के लिए, सना ने अपना जेंडर बदल करके खुद को सना से सोहेल बनाने का जो एक प्रोसेस था उसके लिए वो जुट जाती है। सबसे पहले ऐसे मामलों में काउंसलिंग होती है। उस लड़की को ये समझाया जाता है कि आपके बात के रेपरकेशन क्या हो सकते हैं, लेकिन उसने अपनी बात से वो टिकी रही और उसने कहा कि नहीं, मुझे लड़का बनना है। उसके बाद इस काउंसलिंग में थोड़ी सी मेडिकेशन की भी बात की जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर 2020 में आखिरकार सना ने अपना जेंडर चेंज करा लिया। उसने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली और 8 घंटे से ज़्यादा ये सर्जरी चलती है। देखिए, लड़की से लड़का बनना, इसका प्रोसेस बहुत ही कष्टकारी होता है और बड़ा लंबा चलता है। इस तरीके से वो सना से सोहेल खान बन गई और पूरी सर्जरी और काउंसलिंग पे करीब करीब उसने 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस तरह से दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। 2 साल का वक्त गुजरता है, करीब 5 साल बीत गए और 2022 आता है, अप्रैल 2022। अब वो जो मकान मालिक की बेटी थी उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उसको भी सरकारी नौकरी मिल गई थी। इस सरकारी नौकरी मिलने के साथ ही उसकी ज़िंदगी में और भी बदलाव आते हैं। उसका नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है, यहीं पर उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की को तो भूल गई जो उसके लिए लड़का बनी थी, जिसने अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी कराई थी, और नए लड़के के चक्कर में पड़ जाती है। अब सोहेल, जिसने काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने आप को बदला था, लड़की से लड़का बना था, उसने काफ़ी ज़िद की, उसे जाने से रोका, लेकिन वो मकान मालिक की लड़की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको मकान मालिक की बेटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको उसका नाम नहीं बताना चाहती। बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, गलतियाँ करती हैं, लेकिन फिर भी एक जो कोर्ट के ऑर्डर्स और कोर्ट के जो निर्देश होते हैं उससे अलग हट करके भी हर इंसान को के अंदर भी एक प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए कहते हैं कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। तो मैं आपको उस बेटी का नाम नहीं बता रही हूँ जिसने सना का दिल तोड़ा, जिसने पहले तो वो सना पे फिदा थी, लड़का बन गई सना, उसने काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर उसको किसी और से प्यार हो जाता है। अब सना से सोहेल खान बनी लड़की बहुत परेशान है। अब आप देखिए ना कि वो ना तो लड़की रही, ना लड़का रही, ना उसके पास उसकी वो दोस्त है जिसके लिए उसने सब कुछ किया, और उसने ये भी कहा है कि वो उससे आज भी प्यार करती है। उसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी, सर्जरी कराई, 5 साल में करीब करीब 12 लाख रुपए खर्च कर दिए, और अचानक से आज सब कुछ ख़त्म हो गया उसकी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो अब लड़की नहीं है। उसकी ज़िंदगी फिजिकली भी चेंज हो गई है, उसने अपनी
ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई, यानी कि उसका वो ना लड़की रही ना लड़का रही। अब वो बहुत परेशान थी, तो ऐसे में उसने कोर्ट में याचिका डाली। पुलिस ने उस लड़की मकान मालिक की बेटी को कोर्ट में पेश किया, तो तुरंत उसे जमानत मिल गई। अब ये जो लड़की से लड़का बनी है सना, वो ये चाहती है कि किसी की भी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना हो, इसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तो दोस्तों कई सारे सवाल हैं इसमें। लड़कियों को प्यार करने के लिए क्या लड़कों की कमी है, आप ही बताइए। एक लड़की से प्यार करना, अगर दोनों लेस्बियन भी रहती तो भी समझ में आता, लेकिन सना क्या, तो सब कुछ बदल गया। वो ना लड़की रही ना लड़का रहा। क्या कहते हैं आप उसके लिए, जिसने उसके लिए सब कुछ अपना छोड़ा, अपना अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, अपना फिजिक चेंज कर दिया। उसने ब्रेस्ट की सर्जरी कराई, और भी न जाने उसके शरीर में मेडिकेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, उस लड़की के पास आज कोर्ट में जाने के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। उस लड़की के लिए आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो लड़की जिसको मैं बार बार कह रही हूं कि मकान मालिक की बेटी है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? दोनों दो लड़कियां आपके सामने हैं, दोनों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्योंकि मैं खुद इस कहानी को, जब ये मेरे सामने आती है कहानी, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, परेशान होती हूँ कि हमारे समाज के जो लड़के लड़की हैं किधर जा रहे हैं। लड़के लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अजीबोगरीब कहानी हो गई ना, कि लड़की सना, अब सना नहीं रही है वो, ना तो लड़की है ना तो लड़का है, उसका आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। उसके मन में आज उसके लिए प्यार भी है, उसी लड़के के लिए, कौन, जो मकान मालिक की बेटी है। तो आप, आपकी राय, मतलब इस पूरी कहानी को एक नया रूप दे सकती है, अगर आप इस कहानी पे अपनी राय देंगे तो। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ताकि ये संसार बहुत खूबसूरत सा हो सके, ये देश, ये समाज, और उसके बाद ये दुनिया खूबसूरत हो सके। जय हिंद, जय भारत।